नमस्कार। जैसे ज्वाइन होते जाते हैं, हेलो दीप्ति बहन। दो मिनट है, हम इंतजार करते हैं। नमस्कार, मैं नेहा आदर्श अमदाद की वॉलंटियर, आप सब जानते ही हैं। आज हमारे साथ है डॉक्टर सलीम हिरानी, जो सूरत में चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, सूरत में प्रैक्टिस करते हैं, और वॉलेंटियर है P4P के काफी वक्त से। तो आज हम उनसे सुनेंगे चाइल्ड शुड फेल। ओवर टू यू सर। नमस्कार दोस्तों, आज ये सेशन में आप सबका स्वागत है। थैंक्स टू नेहा बेन P4P अहमदाबाद, जो आज एक मौका दिया है कि आपके साथ थोड़ा शेयरिंग करें। बहुत अच्छा टॉपिक इन्होंने सिलेक्ट किया है और हम भी काफ़ी टाइम से ये टॉपिक के डिस्क करते थे कि ये टॉपिक एकदम हॉट टॉपिक है, ना नीड ऑफ द टाइम है, लेना ही चाहिए। क्योंकि जी आज हमने देखा कि एक रिसेंट सेलिब्रिटी ने सुसाइड किया, तो ऐसे सुसाइड्स करते हैं बाद में, एक मेडिकल स्टूडेंट ने भी किया, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने भी किया, तो क्या हो रहा है एग्जैक्टली, इसके पीछे क्या कारण है, क्या जो कौन जवाबदार है, उसकी थोड़ी बात आज हम करने जाएंगे। क्यों हमारे जो जनरेशन है या हमारे बच्चे हैं या सोसाइटी के जो एडोलेसेंट्स है, वो क्यों ये सह नहीं पाते कि कभी कोई एडवर्सिटी आए या कभी फेल हो जाते हैं, एकेडेमिक मंच पे हो या रिलेशनशिप मंच पे हो या प्रोफेशनल फेलियर होता है, तो क्यों वो लोग सह नहीं पाते हैं, उसकी थोड़ी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आजकल सब बच्चों में, छोटे बच्चों हो या बड़े बच्चे हो, एक चीज़ सभी की कंप्लेन सब पेरेंट्स की होती है कि हमारे बच्चे हमको सुनते नहीं है, दे डू नॉट लिसन अस, वो हमें गई गुजरे समझते हैं, हमारी बात मानते ही नहीं है, बहुत जिद्दी है, बहुत आक्रामक है, बहुत इम्पेशेंट है, बहुत गुस्सा वाले है, पढ़ने में भी बहुत तकलीफ है, मिसबिहेवियर करते हैं, अच्छी तरह से रहते नहीं है, और कभी कभी बड़े बच्चे रिस्क टेकिंग बिहेवियर करते हैं, जैसे मैंने बताया कि सुसाइड तो एक बहुत एक्सट्रीम है रिस्क टेकिंग बिहेवियर का, उसके पहले भी जैसे झूठ बोलना, मारा मारी करना, घर से भाग जाना, व्यसन करना, मीडिया एडिक्ट होना, ये सब इश्यूज आजकल बहुत बढ़ रहे हैं, ये लॉकडाउन में तो और बढ़ गए। तो ये सब, ये सारी चीज़ों का क्या कारण है, उसकी हम आज बात करेंगे। उसके पहले मैं आपको दो सिनेरियो समझाऊं तो आपको समझने में थोड़ा इजी रहेगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। कि एक बच्चा था जिसको SSC की बोर्ड की एग्जाम देनी थी, और जो उसके पहले जो थोड़े एग्जाम्स आते हैं, पेपर सॉल्व वो लोग करते हैं, तो उसमें वो बच्चा कुछ ठीक से कर नहीं पाया, सब में उसके मार्क्स बहुत कम आते थे, उसके क्लास वाले बोलते थे कि ये ठीक से इसका चल नहीं रहा है एकेडेमिक जो पढ़ना है, और ये प्रॉब्लम आएगा उसको, तो इससे बच्चा एकदम इतना टेंशन में आ गया और उसका जो कॉन्फिडेंस था उतना डाउन हो गया कि वो एग्ज़ाम दे ही नहीं पाया। काफ़ी लोगों ने उसको समझाया कि तो एग्ज़ाम दे दे, एक बार एग्ज़ाम में बैठ के देख ले, पर वो एग्ज़ाम देने की हिम्मत ही नहीं कर पाया, वो जता ही नहीं पाया कि नहीं मैं जाके एग्ज़ाम दूँ। दिस वॉज वन थिंग, तो एक एग्ज़ाम्पल है। और एक दूसरा एग्ज़ाम्पल ये है कि एक बच्चा था जिसको 12वीं की एग्ज़ाम देनी थी, दोपहर में 2 बजे 3 बजे उनका पेपर था, और सुबह उनके घर में उसका उसकी उसके पापा डेथ हो गई, और सबको ऐसा लगा कि अभी तो ये इतना बड़ा इंसिडेंस, ट्रेजिक इंसिडेंस घर पे हो गया, तो बच्चा एग्जाम देने जा नहीं पाएगा, और सभी ने, किसी ने उसको प्रेशर नहीं किया, लेकिन उसने इतनी हिम्मत जताई, उसने बोला कि नहीं ये मेरा करियर का सवाल है, 12वीं कक्षा डिसाइड करेंगे कि मैं इंजीनियर बनूँ या मैं डॉक्टर बनूँ, तो मैं तो एग्ज़ाम दूंगा। और उसने हिम्मत जता के उसने एग्ज़ाम दी, एग्ज़ाम देने के बाद आके अपने पिता का अग्नि संस्कार किया। तो ये दो एक्सट्रीम मैंने आपको बताया कि दो इंसिडेंट्स आपके सामने है, तो अभी हम ये एनालाइज करें कि क्या डिफरेंस था एक बच्चे में दूसरे बच्चे में, फर्क क्या था,
कि वो बच्चा इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि वो एग्जाम दे दे, और कि दूसरा बच्चा जिसके पर इतनी बड़ी आफत थी फिर भी वो जाके एग्जाम हॉल जाके एग्जाम दे के आया और बाद में जो रिचुअल्स था वो फॉलो। तो इसके पीछे एक ही रीजन है और एक ही कारण है कि एक जो बच्चा था उसमें ये कोप अप स्किल थी, वो एडवर्सिटी जो आई उसको सामना करने की, उसको फेस करने की उसके पास वो ताकत थी कि उसको कोप कर दिया, उसको डील कर दिया अच्छी तरह से। और दूसरा था जो वो कर नहीं पाया, वो फेल हो गया, वो अपनी हिम्मत जुटा नहीं पाया, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डगमगा गया, एग्जाम नहीं दिया। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो बच्चे में था जिसका पिता एक्सपायर हो गया और एग्जाम देने गया, वो उसको हम बोलते रेजिलियंस। ये वर्ड समझाने के लिए मैंने थोड़ी आपको ये दो स्टोरी बना के दिया कि रेजिलियंस क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली जो पूरा हमने नरेट किया ऐसे प्रॉब्लम्स बच्चों में या एडोलेसेंट में, सबके पीछे कोई एक चीज जो रिस्पॉन्सिबल हो, तो आज के बच्चे में रेजिलियंस ही नहीं है। रेजिलियंसी को सिंपल हम लैंग्वेज में बोले, इट इज द एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम और टू एडजस्ट इजिली टू मिसफॉर्च्यून और चेंज। वो फिजिक्स का शब्द है, मतलब कोई एक रबर बैंड हो उसको आप कितना भी खींचो कितना भी मोल्ड करो, छोड़ दो तो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, दिस इज रेजिलियंसी। तो जो तकलीफें है या एडवर्सिटीज है आपको कितना भी स्ट्रेच करे, लेकिन आप में वो स्किल हो, आप में जो कोप अप करने की ताकत हो, आप फिर से जल्दी अपनी जगह पे आ जाओ। दुख होना, दुखी होना या इमोशनली हमें थोड़ा नेगेटिव इमोशंस हमारे में आ जाए, हम रोने लगते हैं, उदास हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, सब कुछ होता है। रोज बरोज ऐसी घटनाएं बनती है कि हमारे लाइफ में ऐसे एपिसोड्स आते रहते हैं, लेकिन कितने जल्दी हम उसमें से बाहर आ जाते हैं और अपने काम में वापस लग जाते हैं या नॉर्मल बेसलाइन बॉटम लाइन हमारे साइड पे हम आ जाते हैं, दैट इज रेजिलियंस। तो आज थोड़ी रेजिलियंसी की बात करेंगे, क्योंकि रेजिलियंसी इसलिए नहीं आती है कि हम जब से जन्म होता है तब से हमने वो लेवल पे एज ए पेरेंट्स काम ही नहीं किया है कि बच्चे को रेजिलिएंट बनाए। और उसमें सबसे जरूरी जो मुद्दा होता है, सबसे जरूरी बात होती है जो हम नहीं सिखाते, वो बच्चे को फेल होना। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे कोई भी मोर्चे पे निष्फल हो या फेल हो। हम हमेशा कोशिश हमारी रहती है कि वो पास ही होना चाहिए, वो एक्सेल ही होना चाहिए, उसको ये मिलना ही चाहिए, ये मुश्किलें पड़नी नहीं चाहिए। ये सब जो हमारी सोच है, वो सोच ने ये सब इश्यूज क्रिएट किए हैं, क्योंकि एडवर्सिटी सब बच्चे फेस करते हैं। आप देखो, जब बच्चा जन्मता है माँ के पेट से बाहर आता है तब भी बच्चे को काफ़ी एडवर्सिटीज होती है, पूरा उसका सर मोल्ड हो जाता है, पूरा उसका नेक है पूरा एक्सटेंड हो जाता है, सब मसल्स खींचने पड़ते हैं और कितना मुश्किल से बच्चे को बाल लाते हैं। तो तब से मुश्किली एक जीव पे आती है, और सब सजीव में है, जितने जीव ये सृष्टि पे रहते हैं सबको भगवान ने ये चीज़ दी है, रेजिलियंसी दी है। लेकिन बाय सम और कुछ रीजन से हम एज ए पेरेंट्स वो जो रेजिलियंसी का नर्चरिंग होना चाहिए, जैसे एक बच्चा होता है उसको हम बड़ा करके बड़ा आदमी बनाते हैं, वैसे एक रेजिलियंस भी जब छोटा बच्चा होता है तब से रेजिलियंसी को नर्चर करते करते बच्चे को एक सेफ लेवल पे, एक सेफ स्टेट में लाने के लिए जो हमें एज ए पेरेंट्स काम करना चाहिए वो शायद हम नहीं कर पाते, इसलिए मुश्किल होता है। आज थोड़ी वो बात करें कि क्या पेरेंट्स क्या करेंगे तो हम इनको इसमें इसको रेजिलियंसी ला सकते हैं, बच्चे को सहनशील बना सकते हैं। तो क्या क्या एडवर्सिटीज आती है आपको शायद मालूम है, जस्ट टू नरेट के बच्चे को क्या क्या फेस करना पड़ता है जब बच्चा छोटा होता है। तो पेरेंट्स के इश्यूज है, घर के इश्यूज है, पेरेंट्स के कन्फ्लिक्ट हो, सिंगल पेरेंट हो, डाइवोर्सी हो, या तो फिर थोड़े बच्चे बड़े होते हैं स्कूल में जाते हैं तो पीयर प्रेशर हो, बुलिंग हो, या आगे पढ़ाई में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो एकेडेमिक ग्रेड्स के इश्यूज हो, कॉम्पिटिशंस हो, फिर और बच्चे बड़े होते तो रिलेशनशिप इश्यूज हो, अपनी जवाबदारी आ जाती है, इंडिपेंडेंट बनते हैं, घर की जवाबदारी, तो सब एडवर्सिटीज स्टेप बाय स्टेप बच्चों के जीवन में आने वाली ही है। और हमें ये पता ही है कि एडवर्सिटीज होगी और एडवर्सिटीज का कैसे उनको कोप करे, कैसे डील करे, वो हमें बच्चे को बचपन से, बच्चे जब जन्मते तब से ट्रेनिंग देनी पड़ती है। और कभी कभी तो बड़ी आफत भी आती है, जैसे अभी चल रहा है कोरोना का जो पैंडेमिक चल रहा है, तो ये एक महाआफत, कुदरती आफत है, नेचुरल जो एडवर्सिटी है। कभी कभी कम्युनल राइट्स होते हैं, वायलेंस होते हैं, धरती कंप होता है, फ्लड्स आते हैं, कभी इनजस्टिस होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, इनइक्वलिटी, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे की साइकोलॉजी को इम्पैक्ट कर सकता है। तो हमें बच्चे को तैयार करना है कि ये सब चीज़ को बच्चे उस खुद की लाइफ में कैसे कोप अप करते हैं। आपको हमें कि जो हमारा पेरेंटिंग फॉर पीस जो अभियान है, वो अभियान पूरा इन पर ही, ये सिद्धांत पर ही चल रहा है। हम चाहते हैं कि बच्चे
को सबसे बच्चे को सबसे अच्छा नर्चरिंग करना हो, या हम चाहते हैं कि बच्चे सबसे अच्छे इंसान बने, तो उसको एक ही चीज़ हमें गिफ्ट में देनी है, वो है कि बच्चे को खुश रखें। और बच्चा तभी खुश रह पाएगा जब वो रेजिलिएंट हो, जब उसके पास वो ताकत हो, वो कॉन्फिडेंस हो कि कुछ भी हो जाए मेरे को कुछ नहीं होगा, आई विल टेक केयर ऑफ, और या मेरे साथ मेरे पेरेंट्स हैं जो मुझे मदद करेंगे। तो पेरेंटिंग फॉर पीस जो हमारा पूरा अभियान है उस पर ही काम करता है। बच्चों से, बच्चों को बचपन से ही बच्चे को लविंग और जॉयफुल चाइल्डहुड मिले, वो एक्सपीरियंस बच्चा करे, और वही एक्सपीरियंस में बच्चा नर्चर हो, तो बच्चे आगे जाके रेजिलिएंट, क्योंकि जो खुश बच्चा है वो पक्का रेजिलिएंट है। और मैं जो खुशी की बात कर रहा हूँ वो इमोशनल खुशी की बात, फिजिकल खुश नहीं है कि आप कोई गिफ्ट ला के दे दो या कोई बच्चे को कैडबरी चॉकलेट दे दो बच्चे खुश हो गए, ऐसी बात नहीं है। मैं इमोशनल खुशी की बात कर रहा हूँ, इंटरनल हैप्पीनेस की बात कर रहा हूँ, वो हम बात करेंगे एग्जैक्टली क्या है। अगर वो चीज़ बच्चे को मिल जाती है तो बच्चे पक्का रेजिलिएंट बनते हैं, और वही हमारा प्रयास है कि हर एक बच्चे को हम खुशी देंगे, खुशी भरा और प्यार भरा बचपन देंगे, तो बच्चे आगे जाके रेजिलिएंट बनेंगे। अभी ये रेजिलिएंसी आती कैसे है, जैसे मैंने बताया जब जन्म होता है तब बच्चे की बदन में काफ़ी रेजिलिएंसी, बच्चे के पास साइक में काफ़ी रेजिलिएंसी होती है। ये कोई, इसके कोई जीन्स नहीं होते, जैसे हम बोलते हैं कि हैप्पीनेस के भी कोई जीन्स नहीं होते कि भाई ये जीन्स होते हैं वो लोग हैप्पी रहते हैं, ये जीन्स होते हैं वो लोग को तकलीफ ज़्यादा पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। जब बच्चा जन्मता है उसके पास फुल पोटेंशियल है, दूसरे सब स्पीसीज है या दूसरे सब प्राणी है उसमें किस कौन कौन सिखाता है, कौन लेक्चर लेता है, फिर भी वो लोग सब अपने आप अपना एग्जिस्टेंस सेफली संभाल के रखते ही है। वैसे हमारे में भी वो एबिलिटी थी और या है जब बच्चा जन्मता है तब से है, लेकिन फिर उसको जिस तरह से नर्चरिंग होना चाहिए वहीं कहीं गड़बड़ होती है, जैसे मैंने आगे बताया, तो ये प्रॉब्लम होता है। कहाँ गड़बड़ होती है, एक ऑथर है जिसका नाम है जेसिका ले, जो अमेरिकन राइटर है, उसने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है, मैंने भी पढ़ी नहीं लेकिन मैंने सुना है काफी वो किताब के बारे में, और किताब का टाइटल है द गिफ्ट ऑफ फेलियर, द गिफ्ट ऑफ फेलियर। बच्चे को हमें भेंट देनी, गिफ्ट देनी है निष्फलता का, एंड उसमें उसने एक पंचलाइन लिखी है कि हाउ द बेस्ट पेरेंट्स लर्न टू लेट गो सो देयर चिल्ड्रन कैन सक्सीड। हम जाने दे बच्चे को, थोड़ा सहने दे वो कैसा हम करें तो बच्चे सफलतापूर्वक अपनी अपनी जो स्किल्स होती है वो डेवलप कर सके। और उनका कहना था कि बिकॉज ऑफ टूडेज ओवर प्रोटेक्टिव फेलियर एवॉइडेंट पेरेंटिंग स्टाइल, जो हमारी जो हेलीकॉप्टर स्टाइल है, और हम जो सोचते हैं कि बच्चे को बिल्कुल थोड़ी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं फेलियर एवॉइडेंट पेरेंटिंग स्टाइल, ये जो हम अपना रहे उसकी वजह से आजकल के बच्चों में, आज के पूरे जनरेशन में जो कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, जो स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस सेल्फ डिपेंडेंसी जो होनी चाहिए या एकेडेमिक पोटेंशियल होना चाहिए, ये सब कॉम्प्रोमाइज हुआ है। उसके पीछे एक ही कारण है कि फेलियर एवॉइडेंट जो पेरेंटिंग स्टाइल, कभी कभी पेरेंटिंग स्टाइल की बात भी होगी, लेकिन ये मैंने नाम इसलिए दिया कि ऑथर ने दिया और मुझे वो अच्छा लगा नाम, कि ये स्टाइल से जब पेरेंटिंग करेंगे, इसको हम कभी कभी हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग भी बोलते हैं, बच्चे के आसपास लेके घूमते ही रहते, पूरा मॉनिटरिंग करते क्या हुआ, कहाँ गया, क्या खाया, क्या पिया, कहाँ गिरा, क्या लगी, तो ये हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग स्टाइल है। इसके पीछे बहुत बड़ी इसकी जवाबदार है जो हेलीकॉप्टर स्टाइल से हम करते हैं, इसलिए बच्चे में ये जो रेजिलियंसी का एसेंस आना चाहिए वो बच्चे में नहीं आता। तो और कौन से फैक्टर है जो बच्चे में डिसाइड करेंगे कि बच्चे की रेजिलियंसी कैसी होगी या बच्चे का मेंटल कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? तो काफ़ी स्टडीज हुए, तो काफ़ी चीज़ें एनलिस्ट की गई कि ये सब चीज़ बच्चे को इफेक्ट कर सकती है। उसमें फर्स्ट है चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, जैसे मैंने बताया हम बिफोर भी वही काम कर रहे हैं कि बच्चों को जॉयफुल और लविंग एनवायरमेंट दे जिससे बच्चे का नर्चरिंग पॉजिटिव वे में हो। तो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे जो एक्सपीरियंस करेंगे वही लाइफ टाइम रिफ्लेक्ट करते। पेरेंटिंग स्टाइल डेफिनेटली, कभी पेरेंटिंग स्टाइल की आपके भी सेशंस हुए होंगे, नेहा बिन ने ऑर्गेनाइज किए होंगे, उसमें हम अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल की बात करते हैं, तो उसकी भी थोड़ी बात करेंगे, जस्ट टू गिव यू दी ओवरव्यू ऑफ अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। वो बहुत ज़रूरी होती है जो हम कर नहीं पाते काफ़ी टाइम। हमारा फैमिली एनवायरमेंट, स्कूल का एनवायरमेंट, पीयर ग्रुप कैसा है, और लाइफ स्किल्स लर्निंग जिस पे अभी अभी हम फोकस करते हैं, बाकी पहले हम इतना फोकस नहीं करते, बच्चे को लाइफ स्किल्स सिखानी है। कौन सी लाइफ स्किल्स क्या होती है, क्या क्या होती है, जब बात आएगी तो मैं आपको वो वर्ड समझाऊंगा कि लाइफ स्किल क्या है। सो द राइट एक्सपीरियंस कैन शेप द इंडिविजुअल इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चाइल्ड इन अ वे दैट विल बिल्ड देयर रेजिलियंस। तो बच्चे क्या एक्सपीरियंस करेंगे, बच्चे क्या माहौल पाएंगे घर में, स्कूल में या समाज में, वो डिसाइड करेंगे कि बच्चे कितने रेजिलियंट होंगे। और रेजिलियंसी काम मदद करती है बच्चों के डेवलपमेंट में, बच्चे की रूटीन लाइफ में या डे टू डे लाइफ में, हाउ इट हेल्प्स। तो
तो सबसे बड़ी बात कि बच्चे सहनशील होते हैं, तो बच्चे पे कुछ भी मुश्किलें आती है, कुछ भी तकलीफ आती है, तो बच्चे इमीडिएटली कोप अप करके वापस जल्दी से जल्दी वापस अपने बॉटम लाइन, अपने बेस लाइन पे आ जाते हैं। दैट इज वन थिंग। सेकेंडली कि बच्चे ऐसे कई चैलेंज फेस कर पाएंगे। अगर एक चैलेंज बच्चे फेस करते थे वो खत्म होता है, देन द चाइल्ड विल बी रेडी टू फेस अनदर चैलेंज, अगर रेजिलियंस अच्छा हो तो। कि बैक टू बैक अगर बच्चे में आती है तो भी बच्चा उसको कोप अप कर पाएगा। सर्वाइवेबिलिटी सी एग्जिस्टेंस, आपको अगर अपना एग्जिस्टेंस रखना हो, जैसे मैंने बाकी का सब स्पीसीज की बात की, आपको शायद मालूम होगा वो जिराफ होते हैं, जब जिराफ का बच्चे को जन्म होता है तो जिराफ काफी हाइट वाले होते हैं, तो बच्चा जन्मता है तो जोर से नीचे गिरता है, क्या हुआ जनू, और बच्चा तुरंत चल नहीं पाता है। तो आपने शायद ये नेट पे आप देख पाओगे कि जिराफ लिटरली बच्चे को लात मारते हैं अपने पैर से, 8 बार 10 बार 12 बार वो खड़े करते और बच्चे को भगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है जो माहौल में वो रह रहे वहां पे काफी कुछ वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो ये खा जाते हैं, और ये जो जिराफ के बच्चे होते हैं उसके मांस भी बहुत उन लोग के लिए प्यारा होता है, तो तुरंत बच्चे को खा लेते। तो पहले बच्चे को काम ये लात मार मार के बच्चे को खड़ा करते, बच्चे को भगाने की कोशिश करते, जिसने वो भागने लगे तो अपने आप को सर्वाइव कर सके। तो सर्वाइवेबिलिटी के लिए भी रेजिलियंट होना बहुत जरूरी है। बाउंस बैक एबिलिटी, जैसे मैंने बताया कि एक बार भले गिर जावे लेकिन वापस अपनी जगह पे आ जाए, बाउंस बैक हो जावे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज बच्चे को अगर मिलती है, अगर बच्चे रेजिलियंट होते या बच्चे में रेजिलियंसी अच्छी तरह से हम नर्चर करते, तो कैसे हम बाहर से बता पाए कि ये बच्चा रेजिलियंट है या बच्चा रेजिलियंट नहीं है या इसमें रेजिलियंसी कमी है, तो हम थोड़े उसके कैरेक्टर्स देखते हैं कि कौन सी चीज हो या कौन से लक्षण हो, तो वी कैन से दैट ये बच्चा रेजिलियंट है, बच्चे में सहन शक्ति अच्छी है, ये बच्चा कॉप अप कर पाएगा। तो उसके थोड़े क्राइटेरियाज है। नंबर वन कि बच्चा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बच्चे में कॉन्फिडेंस लाना बहुत जरूरी है, और कॉन्फिडेंस लाने की सबसे उत्तम चाबी है कि बच्चे को फेल होने दो, बच्चे को अपने आप खड़े होने दो, तो ही बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा। आज ये मुझे लेक्चर देने का कॉन्फिडेंस तभी आता है जब कई बार मैं फेल हुआ हूँ, कई बार मैं अच्छी तरह से बोल नहीं पाया हूँ, ये सब फेज में पास करके आज मैं थोड़ा कुछ आपके साथ शेयर कर पाता हूँ। तो मैंने भी काफी फेलियर्स मैंने किए पास्ट में, वो लेके आज हमें थोड़ा आपको समझ में आए, उस तरह से थोड़ा मैं प्रयास कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ। दूसरी चीज सेल्फ डिपेंडेंट। सेल्फ डिपेंडेंट और कॉन्फिडेंस दोनों इंटर रिलेटेड है। अगर कॉन्फिडेंट हो गए वो बच्चे हमेशा सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, अगर सेल्फ डिपेंडेंट है उसके पास हमेशा कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि आप अपने आत्मनिर्भर हो तो आप डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी वही हाइट पे ही रहेगा। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज एडेप्टेबल, मोल्डेबल। खास करके आप देखो कि अभी न्यूक्लियर फैमिली में बच्चा रहता है तो अपने घर में ठीक है, लेकिन जैसे किसी के हाथ में गया, किसी बाजू में गया तो चिल्लाना चालू कर दें, वो नहीं रहे, उसको सोशलाइजेशन पसंद ही नहीं है, रहेंगे तो अपने माँ बाप के पास रहेंगे। तो बच्चे हैं जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं या जिसको से पहले से ही ऐसा माहौल दिया हो कि चलो इसके घर में खेलने जाए, इसके घर में खेलने जाए, ये ले जाए, तो वो बच्चा मोल्डेबल हो जाता है। कहीं पर भी जाओ, बैठ के खेलने लगेगा, अपने माँ बाप को भी याद नहीं करेगा। तो ये मोल्डेबिलिटी होती है बच्चों में, दैट इज ऑल्सो साइन ऑफ रेजिलियंस। ऑप्टिमिस्टिक बच्चे होते हैं, बच्चे ऑप्टिमिस्टिक का मैं आपको एक एग्जाम्पल दू, बहुत अच्छी तरह से उसको क्रिकेट में मास्टर था, बैट्समैन था खुद। तो एक बार वो एक सिलेक्शन में गया और बैट्समैन के लिए सिलेक्शन होना था, लेकिन क्या हुआ कि बहुत उसने कोशिश की, बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा परफॉर्म करने की भी प्रयास किया, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हो पाए, वहां पे वो फेल हो गया, उसको वापस भेज दिया गया कि तू बैट्समैन में, तू टीम में, तेरे को नहीं लेंगे। दूसरा कोई बच्चा होता तो नाराज हो जाता, रो लेता, घर पे आ जाता, मम्मी पापा को बोल देता, आके सो जाता, खाना नहीं खाता, ये सब चीज होती। लेकिन जो ऑप्टिमिस्टिक बच्चा है क्या सोचेगा, उसने सोचा कि चलो बैट्समैन में मैं नहीं सिलेक्ट हो पाता हूँ, लेकिन मैं कुछ दूसरा, क्रिकेट में काफ़ी सारी चीज़ है, फील्डिंग है, स्टंपिंग है, विकेट कीपिंग है या बॉलिंग है, इसका भी मैं दे दूँ, इसका भी टेस्ट दे दूँ, अगर उसमें पास हो जाओ। तो उसने बॉलर में भी अपना नाम लिखवा के एज ए बॉलर भी उसने ट्राई किया, तो बॉलर के माध्यम से वो सिलेक्ट हो गया। सो दिस इज ऑप्टिमिज्म। जितना ऑप्टिमिस्टिक बच्चे हो तो वो कम फेल होते, कम नासीपास होते, कम दुखी होते और कम इमोशनली नेगेटिव हो जाते हैं। सोशल स्किल्स, राइट, इंटरपर्सनल स्किल्स है, रिलेशनशिप स्किल्स है, सबके साथ कैसे बात करना, डिसिप्लिन में कैसे रहना, सामाजिक डिसिप्लिन है वो कैसे मेंटेन करना, बड़े को कैसे आदर करना, वो सब जो कॉमन सोशल स्किल्स है उसमें भी वो माहिर होते, अच्छे होते, जो रेजिलिएंट बच्चे होते। और सबसे अच्छी बात होती है कि दे लव देयर लाइफ। सी, ज़्यादातर प्रॉब्लम हम ये सुसाइड में, ऐसा नहीं है कि
उनको लाइफ से प्रेम नहीं होता है, लेकिन उनसे बहुत दुख होता है तो उनको ऐसा लगता है कि सुसाइड करते हैं तो हमें छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन यूजुअली अगर सेल्फ अवेयरनेस हो, अपने आप को पहचानते हो, अपने आप की स्ट्रेंथ वीकनेस अगर आदमी को पता है, तो ऐसे आदमी कम सेल्फ हार्म करते हैं। सेल्फ हार्म इसलिए करते हैं कि जब उनके पास ऐसा लगता है कि वर्थ नहीं लगता है कि भाई ठीक अभी मैं हूँ नहीं हूँ क्या फर्क पड़ता है, मेरा क्या महत्व है, मेरा घर में रह के भी क्या फायदा है, मेरी कौन सुनता है। जब ऐसा होता है तो वो खुद को भी नफरत करने लगते हैं, खुद की लाइफ को भी नफरत करने लगते हैं। और जब खुद की लाइफ को नफरत करते हैं तो ये लोग सेल्फ हार्म करते हैं, लोगों को भी हार्म कर सकते हैं। रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स लेते हैं, एडिक्शन लेते हैं, मीडिया पे पड़े रहते हैं, ड्रग अब्यूज्ड हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ से खुद को हार्म करते हैं। तो अपने 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 आप को प्यार करना भी वो लोग छोड़ देते जब रेजिलियंस नहीं, अपन जो रेजिलियंस अपने को बहुत प्यार करेंगे, अपने अपने सेल्फ केयर भी बहुत अच्छी रखेंगे, अपनी रूटीन केयर है बहुत अच्छी तरह से अपने बदन को भी संभालेंगे और अपनी सेल्फ अवेयरनेस बराबर पावरफुल रखेंगे, जिसकी वजह से उसको कोई इश्यू नहीं हो। सेंस ऑफ ह्यूमर वो भी वो जरूरी है रखना, राइट। तो वो एक रेजिलियंस ही एक साइन है कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छी हो तो यू आर रेजिलियंट। एंड लास्टली के आपको पता होता है कि हमको क्या करना है, दे आर वेरी फोकस्ड, उनका गोल होता है वो फिक्स होता है। कई बार क्या होता है कि काफ़ी बच्चे या एडोलेसन हम देखते करते मेहनत करते रहते मेहनत करते रहते, उनकी कोई दिशा नहीं होती कहाँ जाना है, पर जो रेजिलियंट बच्चे दे आर वेरी क्लियर कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, आगे जाके क्या बनना है, मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है, दे आर वेरी 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 क्लियर इन टर्म्स ऑफ विजन। सो दैट इज द साइन ऑफ रेजिलियंस। सो ये सब चीज़ अगर बच्चे में पाई जाती है तो हम बोलते हैं कि बच्चा रेजिलियंट है। तो ये सब चीज़ कैसे बच्चे में आए, बच्चे में रेजिलियंसी तो होती है लेकिन उसको नर्चर करना पड़ता है, राइट। एक कुंभार जब मटका बनाता है कच्ची मिट्टी से, तो मिट्टी तो है वो कुछ भी बना सकता है, लेकिन डिपेंड कितना सुंदर बना है, कौन से हेतु से बना है, कितनी साइज का बना है, किसके लिए बना है, वो उसके हाथ में, वो कैसे हाथ घुमाते हैं और कैसा मटका बनाता है वैसा मटका बनेगा। तो हमारा भी बच्चे अभी गीली मिट्टी के हैं, जब छोटे होते तो गीली मिट्टी होती है, तो हम कैसे उसको शेप देंगे, हम कैसे उसको नर्चर करेंगे, दैट विल डिपेंड कि बच्चा कैसा बनेगा। ऑफकोर्स जनरल पेरेंटिंग ऑल्सो एंड फॉर द रेजिलियंस ऑल्सो, तो रेजिलियंस नर्चरिंग करना पड़ेगा। और कैसे करेंगे, तो हम अभी देखा करने का, हमें क्या करना है एज ए पेरेंट्स और क्या नहीं करना है, राइट। तो उसके पहले समझना ये जरूरी है कि पेरेंटिंग क्या है। बेसिकली मैंने बोला कि फेलियर अवॉइडेंस पेरेंटिंग है या हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग है या ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग है, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पेरेंटिंग, वो समझना बहुत जरूरी है। अगर आप पेरेंटिंग की डेफिनेशन समझो ना, तो आपने शायद काफी कुछ समझ लिया, आपका विजन क्लियर हो जाएगा। तो हम एक बार फिर से किताब की डेफिनेशन लेके देखते हैं कि पेरेंटिंग क्या है। पेरेंटिंग गुजराती में ऐसा है कि बाळकना शारीरिक मानसिक सामाजिक आर्थिक अने बौद्धिक विकास माटे बाळकने प्रोत्साहित करू अने बाळकने मदद करू। सी बच्चों के सभी तरह से डेवलप करना है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से, सभी तरह से डेवलपमेंट करना है। लेकिन डेवलपमेंट कैसे करना है, हाथ में चाबुक लेके नहीं बैठना है, आंखें दिखा के नहीं करना है। बच्चे जो कुछ करते हैं, मैंने बताया ना, बच्चे का इनहेरेंट एबिलिटी होती है सीखना, एक्सपीरियंस लेना, अपने आप डेवलप होना, वो सबको भगवान ने दिया हुआ ही है, सब स्पीसीज को दिया है। तो हमारी फर्ज इतनी है, हम उसमें इसमें खाली उसको मोटिवेशन दें, उसको हेल्प करें, और कोई अथॉरिटी बच्चे पे हमारी नहीं है। ओशो रजनीस ने भी एक बार कहा था कि बच्चा एक बार जन्म होता है, फिर आपका पेरेंटहुड एक बार जो है, फिर वो इंडिपेंडेंट प्राणी है जो सृष्टि पे आया है, उनका हक है, उनका राइट है, उनको कैसे, हमें खाली ध्यान रखना है, हमें ख्याल रखना है कि उसको कोई हार्म ना हो, वो अच्छी तरह से डेवलप हो, और जो कुछ वो सीखते हैं, जो कुछ वो करना चाहते हैं, उसमें आप खाली हेल्प करो। और ये मोटिवेशन और हेल्प, ये दो वर्ड आप ठीक, तो आपका बच्चा पक्का रेजिलिएंट हो जाएगा। क्योंकि हम टीचिंग करते हैं, हम टीचिंग करते हैं, हम डिसिप्लिन ज़्यादा करते हैं, हम पनिशमेंट देते हैं, हम अथॉरिटी जमाने जाते हैं कि ऐसा ही करना है, ऐसा ही होना चाहिए, तू ऐसा क्यों नहीं करता है, तो ये सब चीज़ जब होगी तब रेजिलियंसी नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। तो हम ये देखेंगे कि कैसे पेरेंटिंग करना है। एक बहुत अच्छा एक कोट है, मैं हमेशा हम बताते हैं कि डोंट प्रिपेयर द पाथ फॉर द चाइल्ड, प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर द पाथ। ये एसेंस है पेरेंटिंग करना हो रेजिलियंसी के लिए, कि डोंट प्रिपेयर द पाथ फॉर द चाइल्ड। बच्चों के लिए हमें रास्ता बनाने की जरूरत नहीं है, रास्ता तो जैसा है वैसा है, वो हमारे हाथ में नहीं है कैसा रास्ता बनेगा, कहाँ तक बनेगा, कितना छोटा बनेगा, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हम क्यों नहीं बच्चे को तैयार कि वो रास्ते पे स्मूथली चल पाए। तो आज हमारा काम है हम बच्चे को उस हिसाब से नर्चर करें कि कोई भी रास्ता हो, ये रास्ता हो या कोई भी दुनिया में उसको कोई भी रास्ते पे चलना पड़े तो स्मूथली चल जाए। सो दैट इज द एसेंस ऑफ क्या क्या करना है। तो अभी हम एग्जैक्ट टॉपिक पे आते हैं कि हाउ टू नर्चर दिस रेजिलियंसी।
रेजिलियंस लाना कैसे है, तो सबसे पहली बात जो आज का अपने प्रोग्राम का टाइटल है, किड शुड फेल, राइट। तो मैंने एक मोटिवेटर के पास सुना था, उसने बहुत अच्छी काफी दो घंटे बात की थी, पर उसने एक बहुत अच्छी चीज बोली कि अगर आपके बच्चे को एक ही कोई लाइफ स्किल आपको सिखानी हो, आपको WIO भी 10-12 लाइफ स्किल दी है और भी लाइफ स्किल्स है, और आपको चॉइस दे के इतनी सारी लाइफ स्किल है, उसमें से कौन सी लाइफ स्किल आपको आपके बच्चे को सिखानी है, तो उसने कहा कि मैं अगर मेरे बच्चे के लिए सिलेक्ट करनी तो मैं एक ही लाइफ स्किल सिलेक्ट करूंगा और मैं मेरे बच्चे को फेल होना सिखाऊंगा। सी दैट इज वी आर नॉट डूइंग। अगर बच्चा फेल होना सीख गया ना, बाद में कहीं कोई रास्ते में कोई रोक नहीं पाएगा, right? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि लेट द किड फेल। सी उनको फेल होने दो, वो सीखने के लिए जरूरी है। हम जो अभी ये स्टेज में हम भी जानते हैं कितनी बार फेल होना पड़ता है, कितनी बार गिरना पड़ता है। एक सिंपल आप साइकिल सीखे वो भी याद करो, कितनी बार आपको लगी, कितनी बार चोट आई, कितना खून निकलता है, आपने साइकिल सीखी, तो वो तो जरूरी, हर एक कोई चीज में आपको मास्टरी लेनी हो तो फेल होना जरूरी है, right? तो बच्चे को एप्रोप्रिएट रिस्क लेने दो। हाँ, हमें पक्का ये ध्यान रखना है कि बच्चे को कोई बड़ी मुश्किल ना आ जाए, बच्चे को कोई चोट ना आ जाए, बच्चे की वजह से कोई और परेशान ना हो जाए, वो हमें देखना है, लेकिन बच्चे को करने दो, right? हम उसको उठा के वो पाथ पे चलाने वाले नहीं है, हम उसको तैयार करेंगे वो पाथ पे चले। और याद रखना, बच्चे को भी ये समझाना है, हमें भी समझना है कि कुछ भी फेलियर लाइफ में आता है तो फेलियर इज ऑलवेज टेम्पररी, फेलियर कभी परमानेंट नहीं होता है, राइट। व्हाट इज परमानेंट? परमानेंट है वो फेलियर से जो हम सीखते हैं, द अपॉर्चुनिटी दैट वी गेट टू लर्न समथिंग फ्रॉम द मिस्टेक, दैट विल बी परमानेंट। और बच्चे में तो ये लाइफ टाइम रहेगा, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में क्या होता है, बच्चे का ब्रेन भी बहुत प्लास्टिसिटी होती है ब्रेन में, और काफी कुछ रिएक्शंस बनते हैं, काफी कुछ मेमोराइज होता है, काफी कुछ स्टॉन्च होता है ब्रेन में। तो अगर बच्चा छोटा है तब ये समझ लेगा, ये देख लेगा, तो वो उस लाइफ टाइम वो अपने मगज में रखेंगे और लाइफ टाइम उसको याद रहेगा कि वो गलती की थी, अभी ये नहीं करनी, अगर वो गलती करेंगे तो ये होगा। तो उसको एक सीख मिल जाएगी, लाइफ टाइम के लिए सीख मिल जाएगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लर्निंग इज परमानेंट। तो बच्चे को फेल होने दो। हम थोड़े एग्जाम्पल लेके समझते हैं क्या फेल होना मतलब क्या है। सपोज एक एग्जाम्पल हम लेके, बच्चे को हम स्कूल छोड़ने जाते हैं और बच्चे घर पे कोई किताब भूल गया, कोई टेक्स्ट बुक भूल गया, मानो के बच्चे ने बोला कि सर आज तो टीचर मारेगी, किताब रह गई, तो फादर क्या करते हैं, तुरंत रास्ते में बुक स्टॉल आते हैं, वहां से नई किताब ला के उसके बैग में डाल देते हैं कि ले अभी घर जाना तो बहुत पॉसिबल नहीं, टाइम जाएगा, मैं तेरे कोई नई ले रहा हूँ, ला के रख दे। अभी ये बच्चा क्या सीखा इससे, इसको कंसिक्वेंसेस का कंसेप्ट ही नहीं होगा कि अगर मैं किताब लेके नहीं जाता हूँ तो क्या प्रॉब्लम होगी, अगर प्रॉब्लम होती है तो मैं क्या इसमें कर सकता हूँ, मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, मैं सोचूं कि आज मैं किताब नहीं लेगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं कैसे अपना बचाव कर सकता हूँ, मैं कैसे कम्युनिकेशन करूंगा, मैं कैसे डील करूंगा, वो बच्चा सीखेगा ही नहीं। बच्चे को हमने रेडीमेड ला के दे दिया तो फेलियर उसके दिमाग में आया ही नहीं, वो इमोशंस आए ही नहीं, वो डर आया ही नहीं, वो फियर आया ही नहीं कि किताब नहीं जाके, तो यही चीज रही तो ये बच्चे की लाइफ में कभी ये चीज नहीं आएगी। तो ऐसा हमें नहीं करना है। दूसरा एग्जाम्पल भी मैं, कभी कभी हम पेरेंट्स, हम मैं भी करता था कि अगर कोई ज्यादा होमवर्क हो और बच्चे को टीवी में बहुत इंटरेस्ट पड़ा, बच्चा टीवी देखता है और बच्चा बोलता है नहीं नहीं मम्मी डैडी आज तो मुझे टीवी देखना है, मैं होमवर्क बाद में कर लूंगा, सुबह कर लूंगा, मैं में कभी करने वाला नहीं है, टीवी देखते देखते ही सो जाएगा, फिर सुबह उठेगा, तो फिर हम क्या करते हैं, रात को बैठ के होमवर्क हम कर लेते हैं, हम दो लाइन लिख देते हैं, हम ये कर देते हैं, और बच्चे खुश कि चलो डैडी ने कर दिया, मम्मी ने कर दिया। तो इससे भी बच्चे को क्या समझ में, क्या सीख मिलेगी, जब तक बच्चा इसके कंसिक्वेंसेस फेस नहीं करेगा, एक बार स्कूल में जाएगा, टीचर कुछ बोलेगी, छोटी मोटी पनिशमेंट मिलेगी, तो वो बच्चे को लेसन सिखाएगी कि अभी फ्यूचर में ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्यूचर में हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा होता है तो ऐसा ऐसा मिलता है, ये परिणाम आते हैं, ये पनिशमेंट आती है, वो बच्चे के दिमाग में बैठते, नेक्स्ट टाइम द चाइल्ड विल नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक। सो दिस इज द फिलोसॉफी, सिंपल फिलोसॉफी, लॉजिक है। तो ये छोटी छोटी चीज में आप अननेसेसरी उसको उठा मत लो, अननेसेसरी उसके लिए उससे वो एडवर्सिटी से बचाओ नहीं, फेस करने दो, वो सिखाएगा कि आगे जाके लाइफ में बड़ी बड़ी भी चीज आएंगी तो वो फेस कर लेंगे, राइट। और जब भी बच्चा ऐसा कुछ करता है या बच्चे में कुछ बच्चे कहीं जगह फेल हो जाते हैं या ऐसी कोई चीज बच्चा कर लेता है, तो एज ए पेरेंट्स हमें ये बात का भी ध्यान रखना है कि हमें बहुत ओवर रिएक्ट नहीं करना है। सिंपल, बच्चा गिर के आता है, बच्चे को जब फ्रेंड्स के साथ झगड़ा होता है, बच्चे को चोट लग जाती है, बच्चा आएगी तो हम आए तो ओ के साथ से गयी तेने माथा वागी गयी, चल से कोने मारी, चल मैंने जावा दे, फादर पास जावा दे, लाओ फोन करो, चल स्कूल में कोनो छोकरो तो क्या, तो ये चीज हम जब करते हैं ना तो उससे आप बच्चे को कुछ कंसोल नहीं करते हो, तब बच्चे को ये नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं था किसने मारा क्या झगड़ा हुआ,
बच्चे को लगी थी, बच्चे को दुख हुआ था, बच्चे को एम्बेरेसमेंट हुआ था, बच्चे का आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी, दोज आर द थिंग्स दैट वर इम्पॉर्टेंट। और हमने क्या किया, पूरा हमारा अटेंशन डाइवर्ट करके किसने मारा उसके साथ हम झगड़ा करने गए। वो तो भूल भी गया होगा कि मैंने मारा, क्योंकि वो खेल खेल में वापस वो अपने खेल में पड़ गया बच्चा, उसको मालूम भी नहीं होगा क्या झगड़ा हुआ, तुम एकदम दुखी होकर वहां चले। अभी क्या होता है, ये रिएक्शन जब पेरेंट्स का बच्चे देखते हैं ना, तो नेक्स्ट टाइम चिल्ड्रन विल टेल यू कि ये चीज होती है, दे विल नॉट टेल यू। वो लोग या तो अवॉइड कर देंगे या आपसे झूठ बोल लेंगे और आपसे आपके आपके और इसके बीच में एक कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। और ये अभी छोटे बच्चे हो तब इम्पॉर्टेंट इतना होता है कि अगर ये छोटी छोटी चीज ये नहीं बताएंगे तो बड़े जाके बड़ी बड़ी चीज भी आपको वो नहीं बताएंगे, जहाँ उसका लाइफ डेथ का सवाल होगा वैसी चीज होगी, सुसाइड करने का मन होगा तो भी आपको नहीं बताएंगे कि मम्मी डैडी मुझे मरने का मन होता है। तो अगर आप चाहते हो कि कम्युनिकेशन बच्चा करे आपके साथ, तो आप उनको ये सब जब ऐसा बच्चा करता है तो बहुत बैलेंस्ड वे में बहुत एम्पैथेटिकली रिएक्ट करो। थोड़ी बात टाइम होगा तो हम आगे करेंगे कैसे रिएक्ट करना है। और तीसरी चीज के बच्चों को सब चैलेंज लेने दो, जो भी लाइफ में चलते हैं उनको वो चैलेंज हैंडल करने दो, चैलेंजेस आने दो। हम चैलेंजेस को उसको कोई भी पड़कार हो, एग्जाम का हो या कोई कंपटीशन का हो या कोई लाइफ में कोई ऐसी चीज आ जाती है, तो उनको सफर थोड़ा होने दो, क्योंकि वही उसको सिखाएगा क्या करना है। और नेवर एक्सपेक्ट आपका बच्चा परफेक्शन ही संपूर्ण हो। कभी कभी हमारा पेरेंट्स का ये इंसिस्टमेंट होता है कि नहीं हमारा बच्चा तो परफेक्शनिस्ट होना चाहिए, परफेक्शन सब कुछ ठीक होना चाहिए, नेवर नोबडी इज परफेक्ट। सो कभी कभी परफेक्शन की जो हम अपेक्षा रखते हैं उससे भी बच्चे दुखी हो जाते हैं, और बच्चे करते अच्छा करते तब वाह करते पर परफेक्शन हो जाए, लेकिन जिस दिन बच्चे नहीं कर पाएगा ना परफेक्ट, उस दिन बच्चे पक्के कोई रस्ते पे जा सकते हैं, सुसाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि वो परफेक्शनिज्म उसके माइंड में इतना स्ट्रेस देता है, इतनी एंजाइटी देता है कि जिस दिन वो बच्चा परफेक्ट नहीं रहेगा उस दिन बच्चा प्रॉब्लम में आ जाएगा, वो अपना इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो नेवर एक्सपेक्ट टू मच परफेक्शनिज्म, राइट। एंड बच्चे को सोचने दो, सी लाइफ स्किल है, हम जो बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग है या हम बोलते क्रिएटिव थिंकिंग है, वो कब आएंगी, जब बच्चों को सोचने का मौका देंगे। तो कई बार क्या होता है, बच्चे को कुछ भी नाने नाने छोटे बड़े सवाल हो या बच्चे कुछ सवाल लेके हमारे पास आते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स लेके आते हैं कि ये चीज़ें, तो हम क्या होते हैं इमीजिएटली हम जवाब ढूंढ के उसको दे देते हैं, नहीं नहीं बेटा ऐसा है, नहीं बेटा वो है, देखो ऐसा है, ऐसा करना है, वैसा करना है, राइट। तो बच्चे को कुछ कुछ तकलीफ भी हो तो जाके मम्मी उसका सॉल्व कर देगी, मम्मी झगड़ा होता है तो मम्मी बीच में आके कॉम्प्रोमाइज करके झगड़ा निपटा देगी, बच्चे को घर भेज देगी, ऐसा नहीं करना है। डोंट आंसर एवरी टाइम टू योर चाइल्ड, लेट द चाइल्ड टेक द डिसीजन, लेट द चाइल्ड डिसाइड व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, लेट द चाइल्ड नेगोशिएट। सी अगर ये सब चीज़ आप, लेट द चाइल्ड थिंक कि अगर मैं ये करूंगा तो क्या होगा, मैं ये करूंगा तो मेरे आगे जाके क्या होगा, ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिएटिव थिंकिंग है, नेगोशिएटिंग स्किल है, जजमेंटल स्किल है, ये सब नो बोलने की स्किल है, ये तभी आएंगे जब बच्चा खुद अपने आप अपना जवाब ढूंढेगा। अगर आप उसको रेडी में थाली दे दोगे तो बच्चा कभी बच्चे की ये स्किल डेवलप नहीं होगी। और ये छोटी छोटी चीज अभी लगती है लेकिन ये आगे बहुत काम करती है। अगर क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे का अगर पावरफुल रहा तो ये बच्चा कभी सुसाइड का नहीं सोचेगा, उसको तरत सोच आएगी कि अगर सुसाइड करूंगा तो मेरा माँ बाप का क्या होगा, मैं क्यों ऐसा करूँ, मेरे पास जो तकलीफ है तो मैं जाके करूँ। तो ये सब थिंकिंग अगर बच्चे के माइंड में क्रिटिकल थिंकिंग की हैबिट हो बचपन से, तो हमने उसको सोचने ही नहीं दिया, हमेशा हमने डिसीजन ले लिया, हमने हमेशा थोप दिया कि आपको करना है ऐसा करना है, तो बच्चे में वो थिंकिंग कैसे आएगा, वो क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ से आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब लाइफ स्किल डेवलप करने के लिए कि बच्चे को ये फेस कर दो, बच्चे को डिसाइड कर दो, उसके हाथ अपने आप डील करने दो, राइट। बाकी थोड़ी जनरलाइज बात है वो मैं थोड़ी कर दूँ, फिर 10-15 मिनट में हम खत्म करेंगे, कि ऐसा स्टडीज से भी पता चला है कौन सा बच्चा रेजिलिएंट ज़्यादा होता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप ये है कि बच्चे का पेरेंट्स के साथ या गार्डियन के साथ या केयर टेकर के साथ कितना टाइट और कितना अच्छा हेल्दी बॉन्डिंग है, वो डिसाइड करेगा कि बच्चा कितना रेजिलिएंट है। मैं आपको सिंपल देखोगे सुसाइड जब आदमी करता है या एडोलेसेंट करता है तो मेन इश्यू क्या होता है कि उनको सुनने वाला, उनके साथ बात करने वाला, उनको समझने वाला कोई नहीं होता है। दैट मीन्स कि ही डजंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ टाइट बॉन्डिंग विद एनीबडी इन दिस सोसाइटी, उसके घर में या बाहर कहीं पे भी ही डिडंट हैव दैट, इतने ट्रस्टवर्दी कोई उसके साथ नहीं था क्लोज, उसके साथ उसकी बात सुने, उसको समझे। तो अगर आपके पास अगर कोई एक व्यक्ति ऐसी है, या माँ हो या फादर हो या मदर फादर दोनों हो या ग्रैंड पेरेंट्स हो या ब्रदर हो या फ्रेंड हो या सोसाइटी में कोई भी हो, आपको पूरा ट्रस्ट हो, उनके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है।
टीचर के साथ भी यही इश्यू है। अगर आप चाहते हो कि बच्चे ठीक से पढ़े, बच्चे मिसबिहेव नहीं करें, तो बॉन्डिंग टाइट रखो, बॉन्डिंग अच्छा रखो बच्चों के साथ, प्यार का बॉन्डिंग। और ये बॉन्डिंग अच्छा रखने का एक ही संजीवनी उपाय है, और वो है, शायद आपको मालूम भी होगा, कि हमें बच्चे को एक्सेप्ट करना है। ज़्यादातर क्या होता है, हमें एक्सेप्टेंस नहीं होता है, हमारे बच्चे भी होते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं, कई बार कोई फेल होते हैं या कहीं छोटी मोटी मिस्टेक कर रहा, एक्सेप्टेड नहीं होता है। वैसे हम बोलते हैं कि मेरा बच्चा है, मेरे को बहुत प्यार है, लेकिन हम उसको जो एक्सेप्टेंस आना चाहिए वो नहीं आता है। तो एक्सेप्टेंस ला के बॉन्डिंग क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। और एक्सेप्टेंस में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, कि बच्चे को आप जैसा है, जिस तरह से है, जितनी एबिलिटी है के पास, जो 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 कुछ है, वो सबको आप अपना मान के स्वीकार लो। आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, आप ये मत सोचो कि ये बच्चा ऐसा है तो वैसा होना चाहिए, बाजू वाला तो इतना है, इतना मार्क लाता है, मेरा बच्चा वैसा हो, नहीं। आपने, भगवान ने आपको जैसी गिफ्ट दी है, गोल्डन गिफ्ट दी है, आप उसको स्वीकार लो। क्योंकि जब तक बच्चे को ये एहसास नहीं होगा कि मैं एक्सेप्टेड हूँ, तब तक उसको इमोशनल जो कवच होता है वो उसको नहीं मिलेगा। और जब तक इमोशनल कवच नहीं मिलेगा, ये बच्चा कब देगा? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेप्टेंस का पूरा एक सेशन होता है, लेकिन आज मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। पर एक्सेप्ट करना बच्चे को, जैसा है वैसा है, जो एबिलिटी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्सेप्ट करने की एक रीत है कि अनकंडीशनल लव देना बच्चे को। दूसरी चीज है कि बच्चे को सुनना। हमारी हमेशा एक कंप्लेन होती है जब भी हम पूछते हैं पेरेंट्स को कि आपको क्या इश्यू है बच्चों के साथ, तो सब एक बात तो बोलते हैं कि हमारे बच्चे हमारी सुनते ही नहीं है, हैं क्या करें, हम कुछ कितना बोले उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो अपने में व्यस्त होते हैं। तो हम सामने पूछते हैं क्या कि बच्चे आपके नहीं सुनते, लेकिन आप बच्चे के सुनते हो? इट्स अ रेसिप्रोकल, आप बच्चे को सुनोगे तो बच्चे आपको सुनेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सुनना सीखे, एक्टिव लिसनिंग करें। हमारे जो माननीय श्री वंदन भाई बहुत अच्छी तालीम देते लिसनिंग पर, तो लिसनिंग करना बहुत ज़रूरी है। और दो तीन बात मैं खाली लिसनिंग के बारे में कहता हूँ कि लिसनिंग मतलब क्या है। एक एग्जाम्पल मैं स्कूल से देता हूँ। जब बच्चे स्कूल से आते हैं, क्योंकि बच्चे अपने पूरे दिन में ज़्यादातर टाइम स्कूल में बिताते हैं, फिर सुबह 8 बजे 9 बजे जाते हैं, दोपहर में 2-3 बजे आते हैं। तो 2-3 बजे जब बच्चे आते हैं, तो पूरे स्कूल में पूरे दिन जो वाकया होते हैं, जो एक्सपीरियंस उसको मिलता है, जो अच्छी बुरी बातें, अच्छी इमोशंस है, नेगेटिव इमोशंस उनको मिलते हैं, उनको आके सब बोलना होता है। उनकी फर्स्ट नीड क्या है कि आके कुछ बोले, किसी को सुनाए, राइट। और हम क्या होते हैं, इतने व्यस्त होते हैं कि हमारे पास वो टाइम ही नहीं, लेने ही वो तो काम वाला जाता है, सर्वेंट जाता है, वो लाके वो खाना खाकर उसको सुला देता है, वो सामने किसी को देखता ही नहीं, कोई आके उसको सुने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो बच्चे के साथ बात करो। और बच्चे को बात करना वो इमोशनल वेंट जैसा है, उसको जो इमोशनल प्रेशर मगज में होता है, अगर वो रिलीज करना हो तो उनके लिए बातचीत करना ही उनके लिए फर्स्ट एड होता है, या इमोशनल फर्स्ट एड जो बोलते हैं। जब भी बच्चा परेशान होता है या बच्चे को इमोशनल इंजरी होती है, तो ये इमोशनल फर्स्ट एड, बच्चे को सुनो। और न फक्त सुनो, सुनने के लिए सुनो, कान से नहीं पर दिल से सुनो, और एम्पैथेटिकली सुनो, राइट। एम्पैथेटिकली मतलब बच्चे को, जो बच्चे फील कर रहे हैं, बच्चे को जो हो रहा है, उस तरह से सुनो। और सबसे बड़ी बात है, बच्चे को बोलने के लिए मोटिवेट करते रहना है। और मोटिवेट उसको ऐसे ओपन एंडेड सवाल पूछो। हम ज़्यादातर क्या आते हैं, तो क्या दिया होमवर्क, टीचर ने क्या बोला, नाश्ता किया, डब्बा खाया, ये किया, हमारे यही सवाल होते हैं, जिसका जवाब हाँ के नाम में होता है। ऐसा नहीं करो, आप डिस्क्रिप्शन दे सके ना बच्चा, ऐसा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो। तो बच्चे को बोलने से बच्चे की साइकोलॉजी काफ़ी हेल्दी रहती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे को सुनो। और सुनोगे तो बच्चे फील करेंगे कि आई एम अंडरस्टूड। और ये फील करना कि आई एम अंडरस्टूड टू माई पेरेंट्स, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्टिव लिसनिंग नहीं करोगे, उसके बाद ठीक से नहीं सुनोगे, या सुनते सुनते आप और कुछ काम करते रहोगे, आप बीच बीच में सलाह दे दोगे, बीच बीच में ब्लेम करते रहोगे, बीच बीच में उसको तोड़ोगे, बस बस अभी कल बात करना ऐसा बोल दोगे, तो काम से गए। ऐसे बच्चे रेजिलियंट नहीं बन सकते, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हेल्दी कम्युनिकेशन रखना, उसका भी सेशन होता है, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तीसरी चीज़ या चौथी चीज़ सबसे ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, हम इतने सारे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, हम देखते नहीं कि हमारी बच्चे की कैपेसिटी क्या है। जैसे 5 उंगलियाँ एक सरीखे नहीं होती, 5 बच्चे एक सरीखे नहीं होते। हम सबके पास एक्सपेक्ट नहीं करते कि सब 95% लाए और सब 97% लाए और सब बीजे मेडिकल कॉलेज में और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेके डॉक्टर बन जाए, पॉसिबल ही नहीं है। सबकी अपनी अपनी एबिलिटी होती है, तो वो एबिलिटी कौन समझेगा? बच्चे की
क्या स्ट्रेंथ है बच्चे के, क्या वीकनेस है, किसको पता चले, वो पेरेंट्स को समझना पड़ेगा। और उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को ध्यान में रख के उसके पास एक्सपेक्टेशन रखो, उसके उसको उस हिसाब से नर्चर करो, उस हिसाब से ट्रेन करो कि वो अपना एक्सेल कर सके, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता हूँ, लेकिन एक अल्बर्ट आइंस्टाइन का बहुत अच्छा पिक्चर आपने देखा होगा कि उसमें सब जैसे एनिमल्स होते हैं, लायन होता है, मंकी होता है, कैट होता है, फिश होती है, सब जमा करके उसने क्राइटेरिया रखा कि झाड़ पे जो चढ़ जाएगा वो इंटेलिजेंट कहेगा कि वो पास होगा। तो इसमें कौन पास होगा, मछली भी पास नहीं हो पाएगी, वो झाड़ पे चढ़ने वाली नहीं है, खाली बंदर ही होगा जो पास होगा और उसको मार्क्स मिलेंगे। तो हमारे रूटीन में भी हम ऐसा करते हैं कि सब बच्चों को एक ही क्राइटेरिया पे हम एसेस नहीं करेंगे, बस एग्जाम में मार्क्स आएंगे तो बच्चे होशियार, तो बच्चे कुछ कर पाएंगे। अभी आपने काफी देखा व्हाट्सएप पे भी कि जिस आई क्यू सबसे बड़ा होता है, ज्यादा होता है, वही प्रॉब्लम वाले सुसाइड वही करते हैं जो मेडिकल में जाते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं। कम सुना है कि आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले ने सुसाइड किया है। तो आई क्यू जितना ज्यादा उतना सुसाइड रेट्स भी ज्यादा है, उतना थिंकिंग भी ज्यादा है। तो आई क्यू के साथ ई क्यू होना भी बहुत जरूरी है, इमोशनल क्वोशेंट होना भी जरूरी है। और इमोशनल क्वोशेंट इज नथिंग बट मैंने जो आपको सब चीज बताई रेजिलियंस की, वो सब दे आर क्राइटेरियाज फॉर द इमोशनल क्वोशेंट ऑल्सो। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी सक्सेस, आदमी सक्सेस होता है पीछे 80% जवाबदार इमोशनल क्वोशेंट होता है, खाली 20% कंट्रीब्यूशन होता है आई क्यू का, राइट। सो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पहचानना बहुत जरूरी है। लास्ट एक दो चीजें बस मैं पूरा करूंगा, अभी थोड़े क्वेश्चंस लेंगे आपके। दो चीज जो इंपॉर्टेंट है मैं बोलूंगा, बाद में मैं मेरा वक्तव्य पूरा करता हूँ। प्रेज करना बच्चों को, बच्चे को अगर रेजिलियंट बनाना है तो प्रेज इज ए वेरी सिंपलेस्ट सोल्यूशन जो हम अक्सर नहीं करते हैं। हमारी हैबिट क्या होती है, सुबह से लेकर तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तू कपड़े ठीक से नहीं पहनता है, तू तेरी बैग ठीक से नहीं भरता है, तू नाश्ता ठीक से नहीं करता है, तू तैयार ठीक से होता नहीं, तू हमेशा लेट जाता है, तू 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 कर पूरा दिन हम उसको पूरा करते हैं। तो बच्चे की साइकोलॉजी में बैठ जाता है कि मैं ही कुछ गलत हूँ, मेरे में ही कुछ तकलीफ है कि पूरे दिन मम्मी मुझे टुक 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 करती रहती है। तो मैं आपको एक सिंपल की दूँ कि आप ऐसा नहीं करते, बच्चे कोई दो चीज़ अच्छी चीज़ हो वो आप एनलिस्ट करो और उसकी तारीफ भी करो, राइट। हम बराबर है, बच्चे को जहाँ टोकना है, जहाँ बच्चे को संभालना है संभालेंगे, लेकिन बच्चे में कोई अच्छे गुण तो है, बच्चे सभी तरह से खराब ऐसा तो नहीं है। तो अगर आपको ये चीज बैलेंस करनी हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे के दो तीन अच्छी चीज हो वो भी आप एक्नॉलेज करो, उसकी भी तारीफ करो। तारीफ की आज सबको जरूरत है, आपको भी जरूरत है, मेरे को भी जरूरत है, मैं भी भूखा हूं कि मेरी कोई तारीफ करे, और मानस जात सबको ये इंपॉर्टेंस होता है कि कोई उसकी तारीफ करे। तो आप प्रेज करो, और प्रेज भी ऐसा, वाह सचिन तेंदुलकर जैसा खेल रहा है, दैट इज नॉट प्रेज, वो लेबल। आप लेबलिंग करोगे तो फिर बच्चा और परेशान हो जाएगा, क्योंकि जिस दिन वो सचिन तेंदुलकर की तरह नहीं खेल पाएगा उस दिन वो डिप्रेस हो जाएगा, है? तो ऐसा लेबलिंग भी नहीं करना है। बच्चा जो करता है वो जो उसका एफर्ट्स है उसको आपको अप्रिशिएट करना है, बच्चे को अप्रिशिएट नहीं करना है। जैसे हम बोलते हैं क्रिटिसाइज भी करना हो, जब बच्चे को कोई बच्चे गलती करते हैं या कुछ गलत चीज कर लेते हैं तो हम बच्चा फेल हुआ तो हम बोलते तू फेलियर है, सो दैट इज नॉट राइट थिंग। बच्चा फेलियर नहीं है, बच्चा पास नहीं हो पाया, बच्चे का एफर्ट्स में कुछ कमी रहेगी कि वो वहाँ, बच्चा फेलियर नहीं है, राइट। तो हमें किसी को लेबल नहीं लगाएगा, लेजी है, तू तो पढ़ाई भी नहीं करेगा, तू तो डब्बा है, तेरे से कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा भी नहीं करने का, राइट। तो बच्चे की तारीफ करो, तारीफ ऐसे करो कि जो वो उसने जो एफर्ट्स किया उसकी तारीफ करो। रिजल्ट इज इमटीरियल, शायद वो 95% लाए नहीं लाए, 80% लाए, 60% लाए, या बार फेल भी हो, उसने जो एफर्ट्स किए पास होने के लिए दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत जरूरी होता है कि बच्चे का प्रेस करो, प्रेस करने में एक्टिवली प्रेस करो, अच्छी तरह से प्रेस करो, जेन्यून प्रेस करो, तो ही बच्चे को खुशी मिलेगी। तो ये प्रेस की बात है, और बहुत सारे क्रिटिसाइज नहीं करो। एक मोटिवेटर ने बहुत अच्छा कहा था कि बालक ने कह रहे कि टीका नहीं जरूर नहीं, टीका नहीं जरूर है, हमेशा टीका की जगह टीका दो। क्योंकि मैंने अगर पेरेंटिंग क्या डेफिनेशन में भी आपको समझाया कि पेरेंटिंग सही पेरेंटिंग वही है जो आप मोटिवेट करो और वो सपोर्ट करो। तो ये दो ही चीज को बच्चे की जरूरत है, बच्चे को टीके की जरूरत नहीं। अगर टीका करोगे तो बच्चा रियली ऐसा हो जाएगा। सोलोमन आइलैंड की स्टोरी सुनी है कि अफ्रीका में सोलोमन में उनको जब कोई झाड़ गिराना हो तो वहाँ झाड़ काटने की मना है, तो वहाँ सब लोग जमा होके झाड़ के आसपास घूम के घूमते घूमते झाड़ को कर्स करते रहते, गालियां देते रहते, पत्थर मारते रहते, और 3-4 महीना ऐसा करते हो झाड़ अपने आप गिर जाता है, झाड़ में कोई खराबी नहीं थी। तो सिमिलरली बच्चे को भी आप कंकरियां मारते रहोगे, कर्स करते रहोगे, तो बच्चा एक दिन गिरने वाला ही है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी गिर जाएगा, उसकी रेजिलियंस भी जीरो हो जाएगी और वो बच्चा परेशान होगा। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। और बच्चे को अपने बच्चे के गोल्स होते हैं, जब बच्चे अपने गोल्स
डिसाइड करते हैं तो वो ज्यादा अच्छी तरह से पूरे करते हैं। जब हम उसको गोल तैयार करके दे देते ना, तेरे को ये करना है, तो बच्चे नहीं करेंगे। वो बहुत लॉजिक है, हमने 3 इडियट्स में भी देखा था कि जो बच्चे को चाहिए, जो उनकी इच्छा हो, उनका पेशन हो, सबसे बच्चे करने दो, तो वो उसमें वो ज्यादा सक्सीड होगा। आप अपना सपना उस पर मत थोपो। आप डॉक्टर नहीं बन पाए तो मैं तो नहीं बन पाया, लेकिन मेरे बच्चे को तो मुझे डॉक्टर ही बनाना है कैसे भी करके, वैसे सोच नहीं रखनी है। और लास्ट चीज़ अभी रियली लास्ट चीज़ है कि हमारे डॉक्टर सुषमा बेन और डॉक्टर आरती बेन इसमें बहुत अच्छा काम करते हैं, और उनसे मुझे काफ़ी गाइडेंस मिला है, काफ़ी कुछ मुझे आज के एग्जाम्पल भी मैंने उनके सेशन में से कोट किया है, और आई एम थैंकफुल टू बोथ ऑफ देम। कि एक स्टडीज़ ने ये प्रूव किया है कि पूरे दिन बच्चा जब हमारे साथ रहता है तो काफ़ी नोकझोंक होती रहती है बच्चों के साथ। कई बार हम गुस्सा करते हैं, बच्चा गुस्सा करते हैं, पूरे दिन चलता ही रहता है, कन्फ्लिक्ट होते ही रहते हैं। तो एक स्टडी से ये हुआ है कि अगर रात को सोते समय आप बच्चे के पास जाओ, और दिन में जो कुछ हुआ, हो सकता है अपनी भी गलती हो, तो कबूल करो कि मेरी गलती थी बेटा, मैंने आपको इतना डांटा लेकिन मेरे को नहीं डांटना चाहिए, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ये बोलने से बच्चे की साइकोलॉजी बहुत हेल्दी हो जाती, बच्चे भूल जाते हैं आपने क्या किया, बच्चे आपके हो जाते, और बच्चे की रेजिलियंसी में भी खूब बहुत सुधार आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि निखालस भाव से बच्चे को हग करके, बच्चे को आई लव यू बोल के आप बच्चे को बोलो बेटा कि मैंने शायद गुस्से में कह दिया है, मेरा ऐसा इरादा नहीं था, मैं तेरे को अच्छी तरह से भी समझा सकता था, पर ये मुझे बोल गया हूँ तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। तो बच्चे को उसमें से काफ़ी चीज़ में, क्योंकि बच्चे रोल मॉडल भी होता है ना, बच्चे खुद भी किसी को सॉरी फिर आराम से बोलेंगे, उसने देखा होगा हमें भी ऑनेस्टली कन्फेस करते, ऑनेस्टली सॉरी बोलते हुए, हमारी रेजिलियंसी भी उसने देखी होगी, तो वही रेजिलियंसी वो भी रिफ्लेक्ट करेगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि एक रोल मॉडल बने, सॉरी बोल देंगे तो बच्चे को काफ़ी अच्छा मैसेज मिलेगा। तो टू रेज रेजिलियंट किड्स, बी ए रेजिलियंट पेरेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि काफ़ी सारी बातें हुई है, थोड़े क्वेश्चन आंसर्स भी हम लेंगे, ऑलमोस्ट 40 घंटे हो गया है, 10-15 मिनट अगर कोई क्वेश्चन है तो ले पाएंगे। काफ़ी चीज़ बात, 2-3 घंटे का सेशन भी हो सकता है, लेकिन मैंने जितना हो सके उतना कंडेंस करके 1 घंटे में जो कुछ कह सकूँ मैं किया, मैंने आपको बताया है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली यू कैन आस्क। नेहा बेन, प्लीज, थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंस लिसनिंग। जब तक यह क्वेश्चन आता है तब तक मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जब पेरेंट्स फेल होते हैं, आपका आवाज इंटरप्ट होता है। हेलो नेहा बेन, आपका आवाज इंटरप्ट होता है। हाँ जी, अभी ठीक है? हाँ ठीक है। पेरेंट्स फेल होते हैं कुछ किसी भी बात में, अपने जॉब में या अपने पेरेंटिंग में, या मॉम होती है तो कोई कहीं जॉब करती, कहीं पे भी जब हम फेल होते हैं तो उसकी सजा या उसका डांट हमें कोई नहीं देता है, पर जब बच्चा फेल होके आता है तो हम उन्हें डांट देते हैं। क्यों? वो चीज क्योंकि हम उनसे बड़े हैं, क्योंकि हम उनके पेरेंट हैं, तो क्यों डांटना? इससे हम बात हो रही थी कि या अंडरस्टूड मैं, ये अगेन थोड़ी पेरेंटिंग स्टाइल की बात आ जाती है कि मैं, हम यूजुअली ऑथोरिटी जमाना चाहते हैं, जैसे हमारे पे कोई नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हम जो चाहे हम जो कहे वैसा ही करे, इसलिए हम थोड़ी अथॉरिटी जमा के फिर हम डांटते हैं उसको। बेसिकली द आइडियल पेरेंटिंग स्टाइल इज ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल या डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग स्टाइल, बहुत मैं उस पर बात नहीं कर पाया, लेकिन वो स्टाइल ऐसे है उसमें सब स्किल है ना, वो नर्चर हो सकती है। जैसे कुछ डिसीजन लेना हो, कुछ जजमेंट लेना हो, कुछ कन्फ्लिक्ट्स हो तो उसको सॉल्व करना, नेगोशिएट करना हो, अच्छी बुरी बात को डिफ्रेंशिएट करना हो, क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो यू डोंट, आप स्टॉन्च मत करोगे ये चीजें। आप बच्चे को साथ में बिठाओ, साथ में बैठ के डिस्कस करो, उनको भी इन्वॉल्व करो डिस्कशन में, उसको डिसीजन लेने में भी इन्वॉल्व करो, और जो फर्मनेस डिसिप्लिननेस आप क्रिएट करते हो उसको भी समझाओ, उसको साथ में रह के करो, तो वो अच्छी तरह से वो रूल पालेगा और अच्छी तरह से फॉलो करेगा। सो ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज मैं ये भी बोलता हूँ, मैंने आगे भी बोली, फिर से बोलता हूँ कि वी हैव टू शो अवर रेजिलियंसी ऑल्सो। हम जब प्रॉब्लम फेस करते हैं, हमारे सामने जब दिक्कतें आती है तो हम कैसे सॉल्व करते हो, बच्चे हमेशा हमें देखते हैं, भले शायद बात नहीं करते हो लेकिन देर ऑब्जर्विंग अस, और ऑब्जर्वेशन से भी बच्चे काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो जब बच्चा हमें देखते हैं कि हम ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे सॉल्व किया, हमने कैसे बात की, हमने कैसे नेगोशिएट किया, हमने किस किस से मिलकर हमने बात की, तो ये बच्चे को एक सीख देती है। सो यू ऑल्सो बी वेरी बैलेंस्ड एंड वेरी पीसफुल, और शांति से आप भी अपना साइक कंट्रोल में रखो कि वो बच्चे को रिफ्लेक्ट करेगा, बच्चा आपसे सीखेगा कि मेरे पेरेंट्स देखो कितनी अच्छी तरह से बात करता है, मैं भी ऐसे ही बात करूँ। अगर आप रेजिलिएंट नहीं रहे, आप हाइपर हो गए, आप सर पटकने लगे, आप यहाँ वहाँ भागने लगे,
और आप एकदम टेंस्ड हो गए, रोने गए, बैठ गए, तो ये सब अच्छा मैसेज बच्चे को भी नहीं देंगे। बच्चे ऐसे ही सीखेंगे कि जब ऐसी स्थिति आती है, ऐसी एडवर्सिटीज आती है, तो रुक के बैठ जाने का, सर्वे लगने का, तो हमें एक रोल मॉडल बन के बहुत अच्छा बैलेंस पेरेंटिंग जिसको बोलते हैं वो करके सिखाना है। अच्छा, डांटना तो है ही नहीं, डांटना पनिशमेंट आता ही नहीं हमारे में, बिल्कुल नहीं, प्यार करना है। हाँ, क्योंकि हमें वही करना है। स्नेहा भाई का एक क्वेश्चन है, 19 साल का बच्चा है उनका, अगर बच्चा अपना ही गोल्स डिसाइड ना कर सके तो कैसे डील करें? सॉरी मैं आपको ठीक से ले, 19 साल का बच्चा स्नेहल भाई का, 19 साल का बच्चा है जो अपना गोल नहीं डिसाइड कर पा रहा है, तो उनके साथ किस तरह से बात करें, कैसे डील करें? ऑथोरिटेटिव वे में ही बैठना पड़ेगा, उनके साथ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि ये एज में बातें करना भी एक चैलेंज है पेरेंट्स की। सी दिस ऑल डिपेंड्स कि आप बचपन से बच्चे करते हो, कैसा बॉन्डिंग रखा है, कैसा कम्युनिकेशन रखा है, बच्चा आपके साथ कितना फ्री है, वो सब डिपेंड करता है। अगर पहले से मैंने बताया, वैसे हम जब बच्चा कुछ सॉल्यूशन पूछने के लिए आता है तो हम हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, हम एग्रेसिव हो जाते हैं, हम उसकी बात को तोड़ देते हैं, हम उसको ठीक से सुनते नहीं है, ये सब छोटी छोटी बातें होती है, वो आगे जाके एक गैप की तरह बाहर आती है। तो अभी क्या होता है कि आई थिंक थोड़ा गैप हुआ है, तो बच्चा भी खुल से पेरेंट्स को बोल नहीं सकता है मुझे क्या करना है, पेरेंट्स भी ठीक से बोल नहीं पाते, तो ये अपॉर्चुनिटी अभी क्रिएट करनी पड़ेगी, बच्चे में वो कॉन्फिडेंस डालना पड़ेगा। मानता हूँ 19 ईयर्स मतलब लेट एडोलेसेंट है, अभी काफ़ी खुद भी सोच सकता है, काफ़ी उसमें इंडिपेंडेंस भी होगी, काफ़ी गोल उस भी सोचे होंगे, लेकिन बैठ के बात करके उसके साथ अपॉर्चुनिटी ढूंढ के जो चीज़ उसके लाइक डिसलाइक को रिस्पेक्ट करके उसके जो बॉल है उसका उसके कोर्ट में डाल के हमें बैठना पड़ेगा और फिर बात ही करनी पड़ेगी, ये बातचीत से ही सॉल्व होगा। क्योंकि अगर बच्चे आप नहीं सलाह दोगे तो कहीं और जाके कोई गलत सलाह भी लेके कोई गलत गोल पे भी जा सकते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे के साथ रिलेशन क्रिएट करें। और अगर आपको लगता है कि बच्चे में काफ़ी कुछ और कुछ मेंटल इश्यूज है या साइकोलॉजिकल इश्यूज है, तो बेटर यू कंसल्ट सम काउंसलर, सम एक्सपर्ट, और उसको बात करने के लिए उसको मोटिवेट करो, उसकी बात अंदर क्या है, उसकी क्या इच्छा है, वो बाहर लाओ, फिर आप उसको खाली सपोर्ट करो। कभी यार हो सकता है कि हमारे दिमाग में क्या होता है, यही करना है, और बच्चा समझता है कि मैं डैडी को बोलूंगा तो मुझे यही करेगा, आपको यही करना है, और मुझे वो करना ही नहीं है, इसलिए मैं डैडी को पूछूंगा ही नहीं, अभी डैडी पूछेगा तो वही बोलने, वो बोलेंगे कि इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, तो मेरे डैडी से बात करने का मतलब ही नहीं है, तो एक साइकोलॉजी भी बैठ जाती है। तो बच्चे को कॉन्फिडेंस दो, नहीं बेटा तेरे को जो अच्छा लगेगा, तेरे को जो फीच है वही, उसी में हम आगे जाएंगे, लेकिन अगर तेरे को मदद चाहिए तो हम बैठ के बात करते कि क्या क्या फील्ड में क्या क्या फ्रोजन कौन से। सो कम्युनिकेशन इज द ओनली आंसर, और वो अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी एडोलेसेंस में, तो इट्स वेरी टफ। हमने सबने शायद महसूस किया होगा कि बड़े बच्चे हो जाते हैं, एडोलेसेंट हो जाते, खास करके मिड एडोलेसेंट, इट्स डिफिकल्ट के बच्चों के साथ कुछ बात करें। या नहीं वाले के उन्होंने उसकी उनकी लड़की ने डिजाइनिंग चूज किया है पर वो क्लियर नहीं है अभी तक उसके लिए, किसने जिनकी में हाँ, पर क्यों क्लियर नहीं, क्या कंफ्यूजन है, वो हम कैसे निकाले, कैसे बात करेंगे, कैसे पूछेंगे? सी हमें लिंक तो एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, तो ही बात कर पाएंगे, और वो कहाँ इश्यू हुआ है, कुछ तो पास्ट में कुछ हुआ है कि बच्चे हमारे साथ खुल के बात नहीं करते, या हम समझ नहीं पाते बच्चे को कि उसको मन में क्या है, तो बैठ के बातचीत से ही इसको कुछ हल निकल सकता है, या कुछ कन्फ्यूजन है। तो मैंने बोला अगर कुछ ज्यादा लगता है तो आप किसी के एक्सपर्ट की राय भी ले सकते हो, एक्सपर्ट के साथ बैठ से भी कर सकते हो। कभी कभी बच्चे में बहुत कॉमन है, ऐसे बच्चे खुद कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो खुद एक्सप्रेस नहीं कर पाते उनको क्या चाहिए, उनका क्या गोल है, तो मदद लेनी चाहिए, अगर पेरेंट्स मदद दे तो सबसे बेस्ट है, न अगर लगता है कि थोड़ा ज़्यादा इश्यू है या ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज हो रहे हैं या थोड़े कभी कभी डिप्रेस भी हो जाते हैं, तो इट्स बेटर टू टेक हेल्प ऑफ काउंसिलर एंड कम आउट के उनके उनके मन में क्या है, वो क्या सोचते हैं। इसलिए मैंने बोला कि जब बच्चे छोटे हो रहे तब से बच्चों के साथ हेल्दी कम्युनिकेशन रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो शायद ये इश्यू आगे जाके नहीं आता है कि बच्चे हमारे साथ खुल के बात नहीं कर पाते। रुत्वी शाह का एक क्वेश्चन है, आई हैव 6 months ओल्ड बेबी, सो फॉर हाउ मेनी इयर्स बेबी नीड्स 24/7 मॉम्स प्रेजेंस, व्हेन कैन आई रीस्टार्ट माय वर्क? 6 months आपको फिर 6 months ओल्ड बेबी है, ओल्ड बेबी, सो फॉर हाउ मेनी इयर्स बेबी नीड्स 24/7 मॉम्स presence, when can I restart my work? वो कब अपना काम चालू कर सकती है, कब तक उनको माँ की जरूरत है उस बच्चे को? बच्चे को माँ की जरूरत तो हमेशा रहने वाली है, ठीक है, भले आपकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं, लेकिन इमोशनल प्रेजेंस तो आपकी हमेशा चाहिए,
तो वो आप सोचो ही नहीं कि हम कब तक बच्चे के साथ रहेंगे। लेकिन एक माहौल ऐसा करो, अभी तो बच्चा ठीक है छोटा है, 6 महीने का है तो ब्रेस्ट फीडिंग पे होगा और 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग भी देना चाहिए कि फिजिकल प्रेजेंस भी इतनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन बाद में आपकी इमोशनल प्रेजेंस भी इतनी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप बच्चे को इस तरह से पालन पोषण करो, बच्चे का इस तरह से नर्चरिंग करो कि एक बार आप नहीं भी हो आप उनके सामने तो भी उनको लगे कि मेरे माता पिता मेरे साथ है, और वही बच्चे सेल्फ कॉन्फिडेंट हो गए तो उसको लगेगा कि नहीं माई पेरेंट्स आर। और वो बच्चे को कब लगेगा, मैंने जो आगे बताई टिप्स वही से कि आप बच्चे को ठीक से एक्सेप्ट करो, बच्चे को सुनो, बच्चे को प्रेस करो, बच्चे को अनकंडीशनल लव दो, तो ये सब चीज हो जाएगी तो फिर प्रेजेंस बहुत मायने नहीं रखेगी। बच्चे के दिमाग में बैठ जाए कि मेरे पेरेंट्स मेरे हैं और मेरे साथ है, तो कितनी बड़ी चैलेंज भी हो तो बच्चे फेस कर लेंगे, क्योंकि बच्चे को मालूम है इमोशनली पेरेंट्स आर कनेक्टेड टू मी। हमारे डॉक्टर आरती बेन ने भी बहुत अच्छा अभी हमारे लास्ट सेशन में मंगलवार को बताया था कि जब बच्चा जन्मता है तो कॉर्ड काट देते हैं तो बच्चे और माँ का फिजिकल कनेक्शन कट जाता है, लेकिन अगर आप अनकंडीशनल लव दो बच्चे को, सतर्क करते रहो, सतर्क बच्चे की इमोशनल बॉन्डिंग के साथ वो बॉन्डिंग आप एकदम क्रिएट करते रहो और उसका एकदम हेल्दी बॉन्डिंग रखो, तो वो एक इमोशनल कॉर्ड ही है जो लाइफ टाइम बंधा ही रहेगा, वो नहीं कटेगा। तो भले फिजिकल कॉर्ड कट गया लेकिन इमोशनल कॉर्ड है वो आपको पूरी लाइफ संभाल कर रखना है, पूरी लाइफ इंटेक रखना है, तो ही बच्चे आगे जाके रेजिलिएंट बनेंगे और बच्चे सक्सेसफुल इंसान बन पाएंगे। तो 24/7 टू बी विथ योर चाइल्ड इमोशनली एटलीस्ट। फिजिकली मैं समझता हूँ कि कहीं हमारे लिमिटेशंस होते हैं, जॉब पे जाना होता है, बाहर जाना होता है, कई बार होता है ऐसे ऐसे अनएवॉइडेबल सर्कमस्टेंस हम अलग होते हैं, लेकिन वो अलग होते भी पास में वो ऐसा महसूस हो ऐसा एटमॉस्फेयर हमें करना है। या ऐसा भी कर सकते हैं कि जब तक बच्चा स्कूल जाने लगे तो उसी के टाइम पे आप जॉब कर लो, या ऐसा कुछ भी मैनेज हम कर सकते हैं? फिजिकल मैनेजमेंट दैट डेफिनेटली वो तो इंडिविजुअल पे है कि अपना शेड्यूल क्या है तो मैनेज कर सकते, लेकिन मैंने क्या बोला कि मानो क्या आप पूरे दिन जॉब करते हो लेकिन रात को तो बच्चे के साथ होते हो, तो बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम दो, बच्चे को स्टोरी दो, बच्चे के साथ बुक रीड करो, बच्चे को हग करो, बच्चे को किस करो, बच्चे को सॉरी बोलो, ऐसे सब बात करके बच्चे को ये एहसास कराओ कि पेरेंट्स हम आपके पेरेंट्स हैं, आपके साथ 24 घंटे हैं, आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी होगा तो हम आपके साथ हैं। सो वो इम्पोर्टेंट है। फिजिकल पेरेंट्स कभी कभी घर में पेरेंट्स होते तो भी नहीं हो बराबर होते, सो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो शेड्यूल तो क्या है, वो फिजिकल एडजस्टमेंट होता है, सब अपने अपने शेड्यूल के हिसाब से एडजस्ट करते हैं, कोई टीचर होता है, कोई कंपनी में जॉब करते हैं, कोई डॉक्टर भी होता है, तो वो शेड्यूल एडजस्ट करना दैट इज अ डिफरेंट थिंग, पर इमोशनल एडजस्टमेंट है वो बड़ी बात है फिजिकल एडजस्टमेंट। सही है। या दिन भर जो हम उनके साथ नहीं है तो शाम को जब भी उनके पास है उनको बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा प्यार, अनकंडीशनल लव दो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक घर भी उनके लिए 24 घंटा बराबर है, उसको इतनी खुशी मिलेगी, उसको ऐसा लगे 24 घंटे पेरेंट्स मेरे साथ हैं। हाँ। और क्वेश्चन है किसी के, क्योंकि 5 मिनट है अभी, 3-4 मिनट, या आप ही कुछ कह दीजिए। 4 मिनट है। हाँ। आप ही कुछ कह दीजिए सर अच्छी सी। हाँ, एक पॉइंट रह गया था, मैं अभी थोड़ा टाइम है तो मौका ले लूं कि एक चीज रेजिलियंसी में सबसे बड़ी चीज ये है कि हम कभी कभी क्या है बच्चे के इमोशंस को इम्पोर्टेंस नहीं देते, वी डोंट अलाउ द चाइल्ड टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस, और वो अपने इमोशंस कब करते रहते और वो स्किल ही भूल जाते कैसे इमोशंस एक्सप्रेस करने। इसलिए मैंने जो बोला ना कि जब हम लिसनिंग करते तभी बच्चे को बात कराओ, बच्चा जितना बात करेंगे वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे, और बच्चे के पास इमोशंस एक्सप्रेस करवाना बहुत जरूरी है उनकी इमोशनल हेल्थ के लिए, उनकी रेजिलियंसी के लिए, नहीं तो बड़ा होकर भी बच्चे को कोई भी ऐसा मेजर सेटबैक आएगा इमोशनल होगा तो बच्चे बोलेंगे नहीं। मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल दूँ अगेन कि बच्चे जब स्कूल से आते हैं और मानो के बच्चे गिर गया, उसके कपड़े एकदम खराब हो गए, उसके सब हाथ बिगड़ गए, घर पे आते हैं तो यूजुअली हमारा रिएक्शन सामान्य रूप से कि मम्मी आके बोलने लगती है कि तेरा ये रोज का नाटक है, तू रोज ऐसा करके आता है, आज फिर से क्या हुआ, आज किसी ने कहीं झगड़ा किया, तूने कुछ शुरुआत की होगी, किसी ने तेरे को धक्का मारा होगा। तो अभी इसमें क्या होता है कि बच्चे को बैड फीलिंग हुआ है, बच्चे को एम्बेसमेंट हुआ है, बच्चे को चोट लगी है, बच्चे को फिजिकल चोट भी लगी है, बच्चे को इमोशनल चोट भी लगी है, तो बच्चे के पास काफी ऐसे नेगेटिव इमोशंस लेके बच्चे आते हैं। बच्चे रोते हैं तो दुखता है, रोता है ऐसा नहीं है, दुखता तो सबको है, लेकिन बच्चा रोता है तो उसको पेन होता है ना दुखता है ऐसी बात नहीं है। उसको जो एम्बेसमेंट हुआ, उसको सबके सामने उसको धक्का लगाया गया, उसको कैसे वैसे बोला गया, उसके कपड़े खराब हो गए, उसके चाहिए कपड़े थे वो खराब हो गए, तो काफी ऐसे इमोशंस होते हैं, बच्चा सैड हो जाता है, बच्चा दुखी हो जाता है। तो अभी जब घर आता है तो हमारी जवाबदारी है कि उनको सुने,
कि बेटा क्या हुआ, ऐसा नहीं है हम उसको गुस्सा करने लगे और उसको ब्लेम करने लगे या हम एकदम हाइपर रिएक्ट करके मैं स्कूल में भाग के चले जाए क्या हुआ क्या नहीं, कुछ नहीं। यहाँ हमारी ड्यूटी है, जो एक ऑथर ने बहुत अच्छा कहा, वी हैव टू एक्नॉलेज देयर फीलिंग्स। उसकी फीलिंग्स जब तक एक्नॉलेज नहीं होगी तब तक बच्चे को इमोशनल कंसोलेशन नहीं मिलेगा, इमोशनल संतोष नहीं मिलेगा। आज मुझे कुछ हुआ है तो मैं किसी से बात करता हूँ तो वो सामने वाला मेरे दुख नहीं समझे तब तक मेरे को भी संतोष नहीं होगा कि उसने सुना पर उसको कुछ पता नहीं चला, उसने कुछ ऐसा कुछ सामने एम्पैथी नहीं दिखाई तो मुझे लगता है कि उसको कुछ लेना देना नहीं है जो वो उसके काम में था। तो बच्चे को भी सेम फीलिंग होती है, जब बच्चा दुखी होकर आता है, बच्चा रोता है और आप बच्चे को सुनते नहीं हो, बच्चे की फीलिंग्स आप अप्रिशिएट नहीं करते हो, बच्चों क्या हुआ, एम्पैथेटिकली आप नहीं देख सकते हो क्या दुख हुआ। एक्चुअली उसकी पूरी प्रोसेस है, वर्कशॉप है कि उसमें आप कैसे बच्चे को सुने, फिर बच्चे को क्या बोले, फिर उसको बच्चे को क्या हम उसको नाम देंगे वो फीलिंग का, वो बच्चे को बोलेंगे कि हाँ बेटा ऐसा कुछ होता है, हमारी चीज भी खो जाती है तो बहुत दुख होता है, हमें भी जब मेरी चीज भी गुम हो गई तो मैं भी बहुत दुखी हुई थी। ऐसे सब चीज करोगे तो वो बच्चे को एहसास दिलाएगा कि बच्चे को हमने समझा है, वी हैव अंडरस्टूड द चाइल्ड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार बच्चा ये समझ ले कि उसको हम समझते हैं, बात खत्म हो गई। तो ये एक्नॉलेजिंग द फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यस क्वेश्चन, माय सन इज 3 इयर्स ओल्ड, हिज गोल इज बिकम अ डॉक्टर, बट टू बिकम डॉक्टर 12 साल का है, उसे डॉक्टर बनना है, पर वो इतनी स्ट्रगल कर रहा है और इतना सीरियस नहीं है। सी अभी ये एज इज 12 साल की जो एज है, ये पूरा इसमें एडोलेसेंट साइंस है। अभी ये एज में बच्चे जो डिसीजन लेते हैं या बच्चे जो चाहते हैं उस पर काफी सारी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, खास करके पीयर इन्फ्लुएंस होते हैं, उसके सर्कल में, उनके फ्रेंड सर्कल में किसी ने बात की हो या किसी का एल्डरशिप हो तो वो देख के वो बोल देते कि मुझे भी ऐसा बनना है। ये छोटे बच्चे आप बोलो, ज्यादातर लड़की, आप छोटे लड़के को पूछो ना को क्या बनना है तो एक ही जवाब देंगे, मुझे टीचर बनना है, क्योंकि हमेशा टीचर के साथ रहते हैं, हमेशा टीचर देखती है, टीचर उनका रोल मॉडल बन जाती है। तो 12 साल भी अभी ये उम्र है कि बच्चे खुद की सोच अभी एकदम डेवलप नहीं होती, डेफिनेटली थोड़ा ईगो आ जाता है, थोड़ा इमोशनल आउटबर्स्ट आ जाते हैं, लेकिन बच्चे खुद, मैंने बताया जो क्रिटिकल थिंकिंग होता है वो बच्चे अभी तक नहीं कर सकते कि ये करने से आगे जाके मुझे क्या करना पड़ेगा या ये करने से मुझे क्या फायदा होगा, ये करने से आगे क्या नुकसान होगा। वो जो कॉग्निशन पावर है, क्योंकि फ्रंटल लोब अभी डेवलप हुआ ही नहीं है, खाली इमोशन से डेवलप हुए, तो वो सब बच्चे को देख के, फ्रेंड्स को देख के उन्हें आ जाता है मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन उसको तो वो तो मालूम ही नहीं है कि डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो वो आप अगर वो चाहोगे आज से ही वो 12 घंटा पढ़ने लगे, आज से ही उसको ट्यूशन क्लास में भेज दे, आज से ही उसको कोटा जाके रख दे तो अभी से तैयारी करेगा तो अच्छा स्कोर आएगा, वो थिंकिंग उनके पास तो है ही नहीं ना। उनको तो यही बस मेरा फ्रेंड बोल रहा है डॉक्टर बना तो मैं वो आशीष जैसा मैं भी डॉक्टर ही बनूंगा। तो अभी शायद वो इन्फ्लुएंस है, अभी उसको पूरी समझ नहीं है कि डॉक्टर क्या है और डॉक्टर बनने में आगे क्या करना पड़ता है। तो अभी हम एक्सपेक्ट भी करेंगे कि वो इतनी मेहनत करे डॉक्टर बनना है तो अभी से चल 8-8 घंटा पढ़ने बैठ जा, ये पढ़ वो पढ़, एग्जाम में इतने परसेंटेज ला, यूजलेस है ये सब बातें। हाँ मतलब बदलता रहता है, 18 तक होने ये बदलता रहेगा, अभी तो काफी इन्फ्लुएंस होगा उस पर खुद की सोच। जब तक लेट एडोलेसेंट में या अर्ली एडल्ट में जब खुद सोचेगा, खुद का फ्रंटल लोब डेवलप होगा, खुद अपना गोल बनाएगा तो दैट विल डेफिनेटली क्लियर हिज विजन, राइट ना। उसमें डेफिनेटली हमें मदद करनी है फिर आगे जाके कि इसका स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेस क्या है, वो लिस्ट ऑन करके हम उसको बता सकते हैं कि आगे जाके तो ये बन सकता है, राइट जी। हमारा वक्त हो चला है सर, थैंक यू सो मच, एक घंटा हो गया, इट वाज माय प्लेजर। यहाँ बच्चा कब डिसाइड करता है उसके गोल, शायद हमारे गोल भी मुझे लगता है अभी तक डिसाइड नहीं है। या सर एक चीज है ना, देख एक 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 साइंस समझने की जरूरत है कि हमारा जो एक कॉग्निशन है ना, जो हायर फंक्शंस है, जो हम सोचते हैं, हम जजमेंट लेते हैं, हम स्किल डेवलप करते हैं, हम आगे की सोचते हैं, हम हाँ ना की सोचते हैं, भला बुरा क्या है वो सोचते हैं, वो सब हमारा आगे जो हमारे जो यहाँ पे फ्रंटल लोब होता है वहाँ पे होता है। और ये कंप्लीट डेवलपमेंट इसका होने में ऑलमोस्ट मिड 20 मतलब अराउंड 25-26 ईयर्स पे ये सब कंप्लीट डेवलपमेंट होता है, तब तक डेवलप्ड होता ही नहीं है, भले हमने 18 साल की उम्र वोटिंग किया, मैरिज की रखी है, लेकिन बच्चे का दिमाग मतलब ये फ्रंटल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है उसको डेवलप होने में 25-26 साल लग जाते हैं, और तब तक वो जो भी डिसीजन लेते हैं उसमें हमें बराबर साथ में रहना पड़ेगा, साथ में हेल्प करनी पड़ेगी। हो सकता है वो इमोशनली कोई डिसीजन लिया हो या मैंने बताया वैसा कोई डिसीजन लिया, उनको सब प्रोज एंड कॉन्स पूरा क्रिटिकल थिंकिंग बताना पड़ेगा कि भला आप ये इंजीनियर बनते हो
तो ये आगे जाके इतने हर्डल से आगे जाने, ये आपको करना पड़ेगा, इतनी चैलेंजेस है, वो बैठ के उसको बता के उसको मदद करनी पड़ेगी। तब वो अपने आप खुद से सोचेगा। लेकिन मैंने बताया था 25 साल पहले जो डिसीशन है वो शायद उनके इतने मैच्योर, 100% मैच्योर नहीं हो गए। कई बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, कई बच्चे शार्प होते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। किसी किसी में लाइफ स्किल्स भी अच्छे होते हैं कि लोग पूछ सकते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज साइंस ये कहता है कि ये जो पूरा समझ है, फंक्शन है, ये 25 ईयर्स पे आता है। तो तब तक हमें साथ रहना है, हमें थोड़ा सपोर्ट करना है कि बच्चा जो कर रहा है, जो डिसाइड कर रहा है वो ठीक है कि नहीं। जी, थैंक यू सो मच सर, हमें आपका माय वक्त देने प्लेजर, के लिए, इतने थैंक यू, आप इतने मसरूफ रहते हैं और उसमें से इतना वक्त हमारे लिए निकाला। और अगर अहमदाबाद में रहते हैं तो आदर्श अहमदाबाद का 2 महीने का कोर्स, अगर सूरत में रहते हैं तो वहां पे भी ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसको आप ज्वाइन करेंगे तो इस और बहुत कुछ पेरेंटिंग कैसे करना है उसके बारे में आप जान सकेंगे। हमने अभी ये EPPL चालू किया है, पेरेंटिंग की पाठशाला करके, अभी 6 मॉड्यूल हमने इंट्रोड्यूस किए, 1 मॉड्यूल हो गया है तो वो भी हमने चालू कर दिया है। तो काफी सारे उसमें 150-200 फ्रेंड्स ज्वाइन हुए हैं। तो आगे हमने ऑफलाइन क्लासेस भी किए थे, वो भी हमें अच्छा सक्सेस 10-15, और आई एम वेरी थैंकफुल टू आदर्श अहमदाबाद के, दैट वाज द मॉडल, हमें वहां से आइडिया मिला और फिर हमने वैसा किया और हमने हमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स पेरेंट्स से मिला। तो दोज हु वांट टू ज्वाइन कैन डेफिनेटली, हमारा भी पेज है, फेसबुक पेज पेरेंटिंग फीस, अपना खुद के भी पेज है एक अलग, तो पेज पे जाके आप सब अपडेट ले सकते हो, आप कभी भी जुड़ सकते हो हमारे कोर्स में। सही है, हाँ, P4P का भी पेज है और उस पे जाके भी पेरेंटिंग फॉर पीस, ऐसा ही है, पेरेंटिंग फॉर पीस, सब अपडेट्स, लाइव सब रिकॉर्डिंग सब कुछ होता है, तो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट एनी टाइम। और सूरत में तो बहुत अच्छा काम चल रहा है इसके पेरेंटिंग पे, सबका सपोर्ट है, सब मिलके करते हैं सर। जी, थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू आप लोगों को भी ज्वाइन होने के लिए। थैंक यू, थैंक्स टू द ऑडियंस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, गुड नाइट, गुड नाइट।